तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसका हो जाता है रिसेंटली ब्रेकअप और कुछ दिनों बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड बना लेता है खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड जिससे इस लड़की की जाती है चल और ये संस्कारी रास्ते की ओर जाती है निकल। तो अब हम करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको मेगन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के घर में रहती है, यानी कि इसके पास अपना खुद का घर नहीं है। अपनी बेस्ट फ्रेंड के टुकड़ों में पलती है और जब वो घर में आ जाती है तब किताब पढ़ने का नाटक करती है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसका यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि यार कितना भी अच्छा दोस्त हो आप उसको जिंदगी भर नहीं पाल सकते। और ये मेगन की बेस्ट फ्रेंड फैजा को मालूम है। फैजा मैगन से कहती है कि तुमने कोई जॉब ढूंढी कि नहीं। तब मैगन बोलती है अरे यार मैं ट्राई तो कर रही पर जॉब हलुआ थोड़ी ना है। फैजा बोलती है कि क्या तुमने अपने माँ बाप से किराए के पैसे मंगवाए। तब मैगन बोलती है अरे यार इस बार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो हर बार की तरह इस बार भी तुम रेंट भर देना। तब फैजा बोलती है अजीब लड़की है और मैगन फैजा को बताती है कि उसने अभी एक डेटिंग वेबसाइट पर अपना रिज्यूम डाल दिया। दरअसल मैगन का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ और बेचारी का दिल अभी टूटा है कि तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है। ये होता है फैजा का बॉयफ्रेंड और भाई साहब ये बंदा इस मूवी का असली संस्कारी कैरेक्टर यही बंदा है। ये ऐसी ऐसी बातें करता कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, उसके लिए आपको फेसबुक पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। दरअसल ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त के सामने खुला अपने आप को प्रस्तुत करता, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। और आज ये तीनों जाने वाले थे एक क्लब में एंजॉय करने के लिए, पर मैडम मेगन जी अपना आईडी लाना भूल जाती हैं, तो गार्ड बन जाता है हिंदुस्तानी भाव और कहता है पहली फुर्सत में निकल। तब मेगन डालती है उस पे टोरे, पर इस टकले हिंदुस्तानी भाव में होती है काफी सख्ती, तो मेगन इसको चकमा देकर अंदर नहीं जा सकती कि तभी यहाँ पर एक और लड़का आता है और यही महाशय होते हैं मेगन के एक्स बॉयफ्रेंड। और भाई साहब ने अभी रिसेंटली एक और नई कन्या को फंसा लिया, तो विश्वास से मेगन की चलकी हो जाती है ज्वालामुखी और वो रफ्तार में जाती है अपने घर सॉरी के घर। और हम सभी को मालूम जब लड़कियों को होती है जेलेसी तो वो उड़ पटांग हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तो मेगन मैडम जी अब इस डेटिंग ऐप में ऐसे लड़के को ढूंढती है जिसके साथ वो एक रात बिताकर अगली सुबह अपने घर पर आ जाए। और तभी मेगन की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है मिस्टर नवंबर, नहीं असली नाम उसका कुछ और होता है। अब मेगन उसको डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती, तो वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर बात पूछती है और ये लड़का भी समझ जाता है कि मेगन को क्या चाहिए। मेगन को चाहिए बैगन भरता बनाने के लिए, गलत मत सोचना। अब मेगन उससे पूछती है कि अपने घर का एड्रेस भेजो, तभी लड़का भेजता अपने घर का एड्रेस, पर मेगन उसके घर में इतनी जल्दी नहीं आने वाली थी। वो कहती है मुझे करना है वीडियो कॉल क्योंकि क्या पता प्रोफाइल फोटो में हो शाहरुख खान और रियलिटी में हो। पर ये लड़का होता है रियल और इस लड़के का नाम होता है एलेक। और अब कुछ मिनटों बाद हमको दिखाए जाते हैं मैगन और एलेक एक साथ एक ही बिस्तर में, यानी कि ये दोनों संस्कारी हो चुके हैं। और अब मैगन चाहती है अपने घर जाना, पर भाई साहब एलेक को चढ़ा था कुंभकर्ण का भूत, तो मैगन यहाँ पर लगाती है अलार्म जिससे ये उठ जाए। और जब एलेक उठता है तब वो उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर रुक सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ खाने पीने के लिए। तब मैगन बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब एलेक कहता है कुछ तो चाहिए होगा। तब मैगन बोलती है मैं काफी थक चुकी हूँ, ये मेरा पहली बार था। तो जैसे अभी आप शॉक हो गए कि क्या सच में इसका ये पहली बार था, ऐसे ही हो जाता है एलेक शॉक। वो कहता है कि जिस तरीके से तुम संस्कारी हुई हो वैसे तो नहीं लगा कि तुम्हारा पहली बार होगा। तो मैगन आ जाती है गुस्से में कि तुम क्या समझते हो कि मैं वैसी लड़की हूँ जो मर्दों के लिए भूखी रहती है। तब एलेक बोलता है मैंने कब ऐसा कहा, तुम गलत समझ रही हो, अगर तुम्हारा ये पहली बार नहीं भी था तो मुझको क्या करना। तब मैगन बोलती है इसका मतलब तुम मान चुके हो कि मैं वैसी ही लड़की हूँ। और दोनों की बहस हो जाती है। तब मैगन कहती है कि मैं यहाँ से जा रही, और मैगन अपनी मध्यम उंगली दिखाकर वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही मैगन दरवाजे के पास जाती है ये दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि पूरे न्यूयॉर्क शहर में काफी बर्फ पड़ चुकी है, तो गेट हो चुका है लॉक। तो बेचारी मैगन को ना चाहते हुए भी एलेक के साथ रुकना पड़ता है। और न्यूज में दोनों को मालूम चलता है कि बर्फ काफी ज्यादा पड़ चुकी है और इसको हटाने में कम से कम एक दिन लगेगा। और अब मैगन हो जाती है परेशान क्योंकि उसको एलेक के साथ यहाँ पर रुकने में काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। और वो फोन लगाती है अपनी दोस्त फैजा को, पर फैजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर का फर्नीचर तोड़ रही होती है और वो मैगन की बातों को फुल्ली इग्नोर करती है। कहती है कि वहीं पर रुके रहो, यहाँ पर मैं थोड़ी बिजी हूँ। और अब ये दोनों ही लंच करते हैं। एलेक कहता है कि सब कुछ भूल जाओ, हम फिर से नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं, हम लोग उस बात को याद ही नहीं रखेंगे कि हम लोग संस्कारी भी हुए थे। तो मैगन यहाँ पर दो नंबर कर रही होती है कि तभी उसको एलेक की एक बुक दिखती है जिसमें लिखा होता है कि द फाइव टाइप ऑफ गर्ल यू विल मीट ऑनलाइन। और मैगन को काफी गुस्सा आता है कि ये एलेक नाम का बच्चा काफी पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, और वो इस पेज को फाड़ के फ्लश कर देती है।
पर एक कागज अंदर जाकर फंस जाता है और बाथरूम में भर जाता है पानी। तब एरिक कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में साफ कर दूंगा। अब ये दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों ही यहाँ पर फंस चुके हैं। तब एरिक बोलता है कि अब एक ही रास्ता है जिससे हम दोनों ही अच्छा फील कर सकते हैं, वो है बाबा जी की बूटी। तो ये दोनों ही हो जाते हैं हाई और अब एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, पर कुछ ही मिनटों बाद कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं। और मैगन एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें किस तरीके से पसंद है संस्कारी होना। तब एलेक्स अपनी फैंटेसी बताता है और मैगन इस बात को दिमाग में रख लेती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद इन दोनों को भूख लगती है पर घर में नहीं था खाने को, तो अब ये दोनों ही पड़ोस में जाने का डिसाइड करते हैं। पर यहाँ पर उनके पड़ोसी नहीं होते, तो अब ये दोनों ही पड़ोस में जाने का डिसाइड करते हैं अपनी खिड़की से, और मैगन यहाँ का शीशा तोड़ देती है और एलेक काफी गुस्सा होता है। तो अब इन दोनों को जो भी खाने को मिलता है ये लोग वो ले आते हैं। अब मैगन एलेक से उसके बारे में पूछती है कि तुम क्या करते हो। तब एलेक बताता है कि मैं एक बैंक में काम करता हूँ। तब एलेक पूछता है तुम क्या करती हो, तो मैगन उसको झूठ बोलती है कि मैं भी जॉब करती हूँ। पर सच्चाई तो हम सभी को मालूम कि मैगन का खर्चा उसकी फ्रेंड उठा रही। अब दोनों की करियर वगैरह की बातें बोरिंग लगती हैं, तो ये दोनों ही आ जाते हैं असली मुद्दे पर। जी हाँ, वही जो आप समझ रहे हो, दोनों के बीच ही कम हो चुकी थी दूरी और दोनों ही बिस्तर पे करते हैं मस्तूरी। जो एलेक की फैंटेसी थी मैगन उसके साथ वैसे ही रिएक्ट करती है। और दो मिनट के बाद जब दोनों ही थक जाते हैं तो जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी, तो दोनों खाते हैं नूडल्स, पर नूडल्स में मसाला था कुछ ज्यादा। तो एलेक लेने जाता है पानी, पर इस पानी की वजह से मैगन के सामने आ जाती है एलेक की कहानी। मैगन को मिलती है एलेक की अलमारी से महिला की ड्रेस। तो मैगन को पहले ये लगता है कि एलेक दो मुआ सांप तो नहीं है, कि लड़की भी लड़का भी कोई भी आन दो। कि तभी वो वहाँ पर देखती है एक लड़की की फोटो, जहाँ पर मैगन को मालूम चलता है कि एलेक भैया की माशुका भी है और ये घर उसकी गर्लफ्रेंड का ही है, यानी कि एलेक अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रहता है। और ये जानकर मैगन काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि वो एलेक के साथ आगे कंटिन्यू कर सकती है, पर एलेक ने भी उसका काटा। तब एलेक कहता है कि हमको तो सिर्फ एक रात के लिए रखना था नाता। तब मैगन बोलती है कि तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट क्यों कर रहे। तब एलेक बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से चाहती है ब्रेकअप, क्योंकि मेरे को उसके वॉलेट पर एक कार्ड मिला जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि वो मुझसे ब्रेकअप चाहती है, पर ये कार्ड मुझको वो कल देने वाली थी क्योंकि वो कल शहर से बाहर जा रही। तब मैगन बोलती है वो तेरी पंचायत है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से बुक हो। और मैगन यहाँ पर उदास होकर बाहर चली जाती है और बर्फ भी गेट से हट चुकी थी। और एलेक चुपचाप से सो जाता है कि तभी अगले दिन एलेक की गर्लफ्रेंड आती है, जो कि मैगन से लाख गुना अच्छी दिखती है। खैर वो इनका मामला है। तो अब एलेक अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि देखो मुझे तुम्हारा लेटर मिल चुका है, तो अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तो काफी अच्छा है, ये खुद ही मान गया। और दूसरी तरफ मैगन जो कि अभी तक उदास है, पर इस उदासी में थोड़ा और तड़का लगाने के लिए फैजा आती है और कहती है मैगन से बहुत हो गया, मैं अब इस मुस्टंडे के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। तब मैगन बोलती है ठीक है। इतनी खुशी और वो न्यूयॉर्क के बाद इस घर से चली जाएगी। तो अब दो दिन बाद यहाँ पर होती है न्यूयॉर्क की पार्टी, जहाँ पर फैजा मैगन का टाका किसी न किसी लड़के से बढ़ाना चाहती है ताकि वो यहाँ से चली जाए और उसको रहने का सहारा मिल जाए। कि तभी यहाँ पर आती है पुलिस और मैगन को अपने साथ ले जाती है, और मैगन को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने क्या क्राइम किया। तो दरअसल ये कंप्लेन कराई थी एलेक ने, क्योंकि इन दोनों ने ही एलेक के पड़ोसी के खिड़की का ग्लास तोड़ा था। दरअसल एलेक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसको मैगन का एड्रेस नहीं मालूम था और उसके घर से जाने के बाद मैगन ने अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी थी। तो एलेक के पास जो उसकी फोटो थी उसने उसी फोटो का इस्तेमाल करके मैगन की कंप्लेन कर दी ताकि वो मैगन को ढूंढ सके। और तभी वहाँ पर आता है एलेक और मैगन से कहता है सॉरी। तब मैगन बोलती है कि तूने मुझसे मिलने के लिए मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखा दी, तू क्या सीढ़ी इंसान है। पर फैजा और उसका बॉयफ्रेंड मैगन को फोर्स करते हैं कि ये तो यार काफी अच्छा लड़का है, तुम्हारी लाइफ इसके साथ अच्छी चल सकती है। तो अब मैगन के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो एलेक को पसंद करती थी। अब उसने जो मैगन के खिलाफ कंप्लेन कराई, यहाँ पर कोई और होता तो एलेक का मुंह तोड़ देता, पर लड़कियों को उल्टी चीज ही पसंद आती। तो वो इस बात से इम्प्रेस हो जाती है और इन दोनों का टाका फिर जाता है। ये दोनों चले जाते हैं अपने रास्ते और ये दोनों चले जाते हैं अपने रास्ते। मैगन बोलते हैं चले तुम्हारे घर। तब एलेक बोलता है कौन सा घर, मेरे पास घर नहीं है। मैगन बोलती है सेम टू यू, मेरे पास भी नहीं है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।